हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी मेंस जियोग्राफी के सिलेबस की। अगर आपने यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल के रूप में जियोग्राफी ली है तो इसके पेपर वन और पेपर टू के सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आप इस सिलेबस के पीडीएफ को jobsru.com से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर वन की। इसमें आपसे प्रिंसिपल्स ऑफ जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें फिजिकल जियोग्राफी पूछी जाएगी। इसमें पहला टॉपिक आपका जियोमॉर्फोलॉजी होगा, जिसके बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाएगा, और क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा तथा ओशियनोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा बायो जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा और एनवायरमेंटल जियोग्राफी के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका ह्यूमन जियोग्राफी है, जिसमें पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में डिटेल में पूछा जाएगा। इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा रीजनल प्लानिंग तथा मॉडल्स, थ्योरीज तथा लॉ इन ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो डिटेल में जानना हो तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया और कमेंट में पिन किया गया है। अब बात करते हैं सेकेंड पेपर की। तो सेकेंड पेपर में जियोग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फिजिकल सेटिंग से क्वेश्चन होंगे, रिसोर्सेस और एग्रीकल्चर तथा इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेट तथा ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा, कल्चरल सेटिंग के बारे में पूछा जाएगा, सेटलमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा। और रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटिकल एस्पेक्ट तथा कंटेम्प्रेरी इश्यूज के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो डिटेल में जानने के लिए आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा बता दें अनअकैडमी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स 2021, 22 और 23 की तैयारी करने वालों के लिए नए बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिनमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा लाइव क्लासेस ली जाएंगी। ये बैच जो है वन ईयर बैच स्टार्ट होने जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट कराया जाएगा। इसके अलावा सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। इसमें एनसीईआरटी और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। ये बैच जो है तीन लैंग्वेज में होंगे। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं तो एक्सपीडिशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अल्टीमेट वन ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2022 के लिए, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह अनअकैडमी द्वारा टू ईयर बैच स्टार्ट किया जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए। तो जो लोग 2022 की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी द्वारा एनसीईआरटी बैच स्टार्ट किया जा रहा है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम्स को ध्यान में रखकर। इसमें आपकी सारी एनसीईआरटी कवर की जाएगी यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार। सारी क्लासेस आपकी लाइव होंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में। तो जो लोग प्लान लेना चाहते हैं मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया और कमेंट में पिन कर दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद आप अपना प्लान सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं, लेकिन आपको ये प्राइस नहीं पे करना है। आप यहाँ पर एसआर अड्डा कूपन कोड यूज़ करें। जैसे ही आप एसआर अड्डा कूपन कोड यूज़ करेंगे आपको लगभग 15,000 तक का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए एसआर अड्डा कूपन कोड यूज़ करें, SRADDA। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।